सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट संडे डे सीरीज करके चैनल. सो फाइनली चैनल मतलब सीरीज. सो फाइनली आई एम स्टार्टिंग दिस कि ऑन एवरी संडे आई विल अपडेट लाइक सम लाइफ रिलेटेड थिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज. ठीक है. सो इन दिस वीडियो विल टॉक कि हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज माई लाइफ हेयर इधर इन मुंबई. ठीक है. बिकॉज राइट नाउ आई डोंट थिंक ऑफ एनी अदर टॉपिक. इफ यू हैव एनी आइडिया डू कमेंट, फिर हम उसे वीडियो बनाएंगे. जो भी करना होगा आगे करेंगे. ठीक है. बट इस वीडियो के लिए फिलहाल शुरू करने के लिए यहीं से शुरू करते हैं. सो माई एक्सपीरियंस बोलो कि शुरू से शुरू करते हैं. तो प्रीवियस ईयर फ्रॉम सेप्टेम्बर मेरा प्रोबेशन शुरू हुआ था. 18th of September इज द डेट कि जहां से मेरा प्रोबेशन पीरियड काउंट होगा एंटिल 1 ईयर. बस तो शुरू हुआ था ये. और उसके 2 मंथ पहले पहले तक हमारी वो थी. 1 मंथ तो हमारी जो हमने रह के आराम से जिंदगी जो जीते हम वो वाली ट्रेनिंग थी. 1 मंथ ब्रांच ट्रेनिंग थी. और जो ब्रांच ट्रेनिंग थी ना मेरी, मुझे सही में इतनी सारी चीजें उस टाइम पे रियलाइज हुई. लाइक बूम करके जो होता है ना सारी चीजें रियलाइज होना, वो शुरू हो गई. क्योंकि क्या हुआ, तब तक हमें एलआईसी ने सब कुछ दिया था रहने का वहने का, तो मैं सब कुछ अपने हिसाब से अप करते हो आते हो जाते. इतना कम डिस्टेंस है, वो भी इतने प्राइम लोकेशन पे था ना. आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कितना खूबसूरत सब कुछ था वहां पे. ठीक है. और ये सारी चीजें हो गई. फिर सितंबर आ गया. सितंबर के बाद से अब ये चल रहा है कौन सा मई का मंथ, पता नहीं कैसे बीतता टाइम मेरा. मैं सही में बता रही हूँ आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो हाउ माई टाइम पास. और इस इतने दिनों में मैं 4 बार घर जाके आ चुकी हूँ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है कि मैं 4 बार घर जाके आ चुकी हूँ. मेरे कहने का ये मतलब है कि आई एम सुपर होम सिक. मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी ज्यादा होम सिकनेस होगी, बट मुझे इतनी ज्यादा होम सिकनेस हो चुकी है. बट फिर भी भगवान जी की दया से, सही में बता रही हूँ मैं, कान पकड़ रही हूँ अभी तो, कि मुझे सही में अभी ठीक लग रहा है यहाँ पे. अभी सही में मतलब होती है चीजें बेटर होनी शुरू हुई है, तो मेरे लिए चीजें अभी जाकर के बेटर होना शुरू हुई है. क्योंकि मुझे आदत हो गई है. मुझे लगता है कि रहना यहीं पे है तो क्यों ना खुशी खुशी रहे. अभी ऐसी माइंडसेट मेरी हो गई है. बहुत सारे लोगों को जब पता चला तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे तुमने ये क्यों ज्वाइन किया, बीइंग अ गर्ल दिस इज वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू. भाई आई नो कि कितना डिफिकल्ट है. मुझे सब पता है कि कैसे काम करना होता है, कैसे क्या करना होता है. बट जब आपको इतनी अच्छी जगह पे होता है ना कि आपकी जॉब लग जाती है, और वो भी यार डिविजन 1 मिल गया था मुझे, तो किसी बच्चे को डिविजन 1 मिलना तब मेरे लिए तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बात थी कि मैं क्लाउड 7 9 10 12, समझ रहे हो आप, मैं इतनी ऊपर थी उसी छोटे जगह से. ठीक है. मेरा प्रॉपर घर अगर आपको पता हो, शायद तो नहीं हो तो मैं बताती हूँ, सीतामढ़ी. ठीक है. मैक्सिमम मैं कहाँ गई, पटना तक गई हूँ अपनी ग्रेजुएशन करने. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना. तो बींग अ गर्ल इतना बड़ा ट्रांजिशन मेरे लाइफ में आ गया ना, वो इतना ट्रोमैटिक हो गया मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती. तो बहुत डिफिकल्ट, वो तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. स्पेशली यहाँ पे फिर लोकल ट्रेन का सीखो, तो वो सारी चीजें सीखना, फिर से अपने लिए सब कुछ खुद से आप यहाँ पे अरेंज करते हो. ऑल दो यहाँ पे रहने का तो पापा ने मस्त सब कुछ देख लिया था मेरे लिए. और वो जो रहने वहने का है, लीज वीज का, वो तो अभी इतनी ज्यादा वेटिंग है यहाँ पे. मुझे लगता भी नहीं कि इतनी जल्दी कुछ मिलने वाला भी है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वेटिंग है. तो बस मैं आपको ये बता रही थी कि डिफिकल्टीज मुझे बहुत हुई यार, अभी भी होती है. बट अभी क्या है ना कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ ना लाइफ में, इतनी कि मुझे किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी. मुझे बस पता होता है. और लोकल ट्रेन वगैरह का मैंने सीखा. तो आप क्या होते हैं ना मुंबई में, तो आपको मुंबई बहुत ही स्टिफ बना देती है. आप समझ लो स्टिफनेस का मतलब. मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि मुंबई आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आपको लगता है कि ओके. लोग बोलते हैं ना कि मुंबई बहुत कुछ सीखते हो, वो बहुत ही सच है. क्योंकि मैं इतनी सॉफ्ट स्पोकन, सही में थी मैं सॉफ्ट स्पोकन. तो अगर यहाँ आकर के मैं इतनी वैरायटी ऑफ चीज देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, सब कुछ खुद से कर सकती हूँ, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था मेरे लिए. और मैं जब खुद को ऐसे देखती हूँ, मुझे खुद पे इतना प्राउड होता है. मैं क्या बोलूँ आपको, आई कांट टेल यू मुझे कितना प्राउड फील होता है. बहुत सारे लोग बुई को बोला भी था इनिशियली कि दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा. मुझे पता था दिक्कत होगी. और मेरी ट्रेजेडी सुनोगे आप लोग तो आप लोग को लगेगा. मेरे का ऐसा है कि मेरे को ना गधा मजदूरी नहीं पसंद. गधा मजदूरी समझते हो आप लोग, लाइक जिस चीज में एफर्ट नहीं भी डालना, लोग उसमें भी एफर्ट डालते हैं. जहां ऐसी मेंटालिटी है मेरी. और मैंने यहाँ पे देखा यार, यहाँ पे तो भेड़ चाल सही बोल. और
यहाँ पे क्या हुआ था कि जब जब बारी आई मेरी लोकल ट्रेन पे चढ़ने की, मैंने देखा, मैं दो दिन नॉर्मल लोकल से मैंने ट्रैवल किया यहाँ पे, सिर्फ गिन रही हूँ ना, दो दिन, बस दो ही दिन किया, आना जाना। उसके बाद ओ माई गॉड, उसके बाद जो मैंने अपनी हालत देखी ना, मुझे तरस आने लगा खुद पे कि मैं ये रैट रेस क्या है ये भाई, इतने लोग यहां से उतर रहे, इतने लोग यहाँ पे चढ़ रहे, खुशी कहाँ है तुम लोगों की, वेयर आई कांट सी इट, लाइक सब फ्रस्ट्रेटेड यार। पहले तो कोई मेरे को लोकल ट्रेन में कुछ बोल देता था, मेरे को समझ नहीं आता था मैं उनको बोलू क्या, इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए वो सारी चीजें मैनेज करना। फिर मैंने सोचा कि पैसे लग रहे ना, एसी लोकल करो भाई, एसी लोकल करो। फिर मैंने एसी लोकल का पास निकाला, फिर वहां पे लोग ठीक ठाक आते हैं यार, फिर वो उलट पुलट नहीं बोलते, ना ही लड़कियों को कोई कुछ बोलता, कुछ नहीं बोलता। नॉर्मल लोकल से मैंने अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखे, ऑल्दो एसी लोकल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी लोग क्या होता है ना कि आपको सपोर्ट करते हैं एसी लोकल में। थोड़ा सा ये देखा कि लोग की जो ठीक आते हैं, मेरे को ज्यादा इस बारे में नहीं बोलना, तो मेरे को अपने सेफ्टी का भी था, तो आई ऑप्टेड फॉर एसी लोकल, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुई, और मेरे को तो ये भी जैसे कि रहने का, ठीक है, यहाँ पे लोगों को जैसे कि मुझे 30 मिनट्स बाय ट्रेन ऐसे लगता है, ट्रेन जाते हो वहाँ पे 30 मिनट्स लगता है, उससे आगे का यार मिला ही नहीं तब हमें, अभी मैं खोज रही हूँ तभी मुझे अच्छे अच्छे मिल रहा था, हो सके तो आई शिफ्ट, हो सके तो अभी देखती हूँ कितने दिन, नहीं बोलना कुछ, तो हो सके तो शिफ्ट करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। बट लोग यहाँ पे विरार से भी आते, इतना दूर मुझे लगता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं क्या करती। मुझे सही में चीज लगता है कि अगर मेरी सैलरी इन्होंने नहीं 65 मुझे दी होती तो मेरे लिए कितनी मुश्किल जिंदगी यहाँ पे होती, मुझे ही पता है। और यार इतने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ आपको, उनके स्ट्रगल के सामने मेरा तो कुछ भी नहीं था। तो ये सारी चीजें हो गई, बट ऐसा है कि बीइंग इंडिपेंडेंट, लाइक अगर आप एक लड़की हो ना तो इंडिपेंडेंस अलग हिट करती है। मुझे लड़कों का नहीं पता उन्हें कैसा लगता होगा, कैसे महसूस होता होगा, बट लड़कियों को बहुत ही अलग लगता है। आपको पता है जब मैं सारी चीजें अपने से करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बनारस गई थी मम्मी को लेकर के, मेरे लिए इतनी खुश थी मैं कि मैं अपनी मम्मी को लेकर कर जा रही हूँ, समझ रहे हो आप। तो वो छोटी छोटी चीजें होती है ना कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ कुछ चीजें मेरी लाइफ में होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी लोग क्या बोली जा रही है, बट यार मैं अभी इतनी बार घर आके जाके गई, समझ रहे हो आप, तो उसमें जो सारी चीजें मैं खुद से करती हूँ तो वो अलग हिट करती है यार। और वो इतना ज्यादा इन चीजों ने मुझे, यहां से पहले मैं यहां से थोड़ी सी नर्म सी थी, समझ रहे हो आप, बट मैं अभी यहां से इतनी स्ट्रांग हो गई। एक होता है ना कि आपके पास एक अंदर से इच्छा शक्ति जग जा, और मुझे सही में ही लगता है कि मैं अगर कहीं और रहती तो मेरे अंदर इतनी सारी चीजें डेवलप होती, क्योंकि मुंबई में इतना ज्यादा स्ट्रगल है यार। लाइक मेरे पास तो जॉब थी यहाँ पे, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ कि क्या बोलू मैं। तो एक तो मुझे बहुत सेफ फील होता है मुंबई में, दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट यहाँ पे, कि सेफ्टी का कोई मुझे कंसर्न यहाँ पे महसूस नहीं होता है। और वो जब आप सेफ फील करते हो ना किसी चीज के अराउंड, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो यार मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, ऐसा नहीं है नहीं हुई, सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे अपने मम्मी पापा को लेकर के ही आता है। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं सब छोड़ के घर चली जाऊं, झूठ क्यों बोलूं मैं आपसे, सेटल हो जाओ लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन कभी कभी मेरी पीक पे होती है, स्पेशली ऑन मंडे, कल मंडे आने वाला, अभी देखना कल, फ्रस्ट्रेशन बहुत अजीब। और यार मैं तो बोलती हूँ मैंने यहाँ पे ऐसे रूटेड होके रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं रोज सुबह पूजा करती हूँ, शाम को पूजा करती हूँ, दिन में टाइम मिले पूजा करती हूँ, टाइम से उठती हूँ, मेरे सोने का कोई ठिकाना नहीं होता, काम करना होता है, समझते हो आप। तो मुझे ना सोने का फिक्र होता है, ना उठने का फिक्र होता है, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती, ना मुझे कोई अभी एक होता ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास इतनी ज्यादा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी चीज को लेकर के बैठी रहो। लाइक मुझे दुख होता है चीजों का, मैं उस दुख को होने देती हूँ, और फिर एक टाइम के बाद दुख होना बंद हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि ठीक है माइंड को उस दुख की आदत हो गई है, समझ रहे हो। तो मैं अपने दुख से भी अब ऐसे डील करती हूँ कि यार अब बड़े हो गए हो, आप कितने दिन तक ऐसी चीजों से डील करोगे, नहीं कर सकते यार आप। और आपको बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज के बिना यार मुश्किल है। और मुझे बहुत सारे मेल आते हैं यार, मेरे को मन करता है कि मैं कुछ मेल्स का रिप्लाई कर दूं जो कि जेन्युइनली अच्छे होते हैं, बट फिर मुझे लगता है कि फिर कुछ अगर ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया, कुछ हो गया, तो फिर मैं फंस जाऊंगी इन सारी चीजों से, बिकॉज मुझे इन लफड़ों में पढ़ना पसंद नहीं है। जहां तक मेरे काम का सवाल है, मैं रिस्क नहीं लेना पसंद करती, बट अगर कोई स्टडी रिलेटेड होता है ना, तो स्टडी रिलेटेड चीजों में यार मैं किसी की कैसे भी लेवल पे हेल्प कर देती हूँ। मुझे लगता है कि किसी का तो भला हो,
तो ये सारी चीजें मैंने ऐसे मैनेज किया है। और देखो अभी घर जाना है मुझे फिर से, मैंने सोचा तो हुआ है बट अभी इट जस्ट दैट कि मैं वेट कर रही हूँ कि जब तक मेरी सैलरी 81 यस वो क्रेडिट हो जाए, फिर मैं एक देखती हूँ सोचती हूँ एक बार घर जाने का। एक बार तो जाके आऊंगी यार, क्योंकि देखो खर्चे बहुत हो गए अभी, तो उस पर भी कंट्रोल करना है बिकॉज आई एम वेरी एक्सपेंसिव। यस तो मुझे लगता है कि ब्रो यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस एज वेल। ये क्या था कि पैसा नहीं था तो खर्चा नहीं होता था, अभी पैसा है तो दोनों हाथों से खर्चा होता है। सेविंग्स हो नहीं पा रही है मेरी, मैं क्या करूं यार, मेरा काम इतना ज्यादा, काम से ज्यादा यार वो होता है कि मुझे मेरे घर जाने में बहुत खर्चा हो जाता है यार। अभी देखो आप हो जाता है, मतलब मैं ट्रेन से जाना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि छुट्टियां होती होती नहीं है, तो मुझे हर बार जाना पड़ता है फ्लाइट से, तो उसमें अलग मेरा होता है। और जैसे कि आप देखोगे छोटी मोटी चीजें, वो सारी चीजें तो हो जाती है, खर्चा हो जाता है। तो बस अभी मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि भी उन्होंने सैलरी इंक्रीज कर दिया, मुझे तो 65 भी बहुत कम लग रही थी, बट ठीक है मेरे को इसे ब्रैग नहीं करना किसी चीजों के बारे में। तो इट्स जस्ट दैट कि इन एंड आउट अगर आपकी सैलरी मुंबई में अच्छी है ना तो आप सर्वाइव कर सकोगे। वैसे तो यहाँ पे 60-65 एक बहुत ही बेसिक अमाउंट है जो कि आपको चाहिए मुंबई में सर्वाइव करने के लिए। पता नहीं हो गया लोग यहाँ पे 20,000 में कैसे मैनेज करते हैं, आई डोंट नो यार क्या सीन है लोगों का इधर। और जैसे कि अभी तो खाना वाना का अभी जाकर के यार आप विश्वास नहीं करोगे, 7-8 में जाकर के अभी मुझे सेटल डाउन हो गया है मेरा मन खाने वाने को लेकर के। तो अभी मैं फिटनेस में सोच रही हूँ थोड़ा सा, तो फिटनेस पे भी अपन ध्यान दे रहे हैं, अभी बॉडी शॉडी बनाएंगे ऐसा प्लान है, घूमना फिरना भी करना है, घर भी जाना है, मस्त तरीके से पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई सही में करनी है यार, क्योंकि जो सपना एक होता है वो सपना अपना होता है। आप कहीं भी चले जाओ एक सपना एक होता है यार, जिसको जब तक आप चेज ना कर लो ना फिर दिल को शांति नहीं मिलती। तो इन एंड आउट सारी चीजों पे काम चल रहा है, करना पहले बोलना था काम करना, सारी चीजें इन एंड आउट बहुत अच्छे से चल रही है। टच होल्ड कर लेती हूँ मैं क्योंकि मेरी लाइफ है, कभी भी कुछ भी होता है इधर। That's why, चलो ठीक है रखती हूँ। और ध्यान से रहो, खूब पढ़ाई करो, और ऐसे फन कंटेंट चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे कुछ ऐसे आइडियाज हो तो लिख देना। आई नो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं ट्राई करूंगी कट छट करके डालने का। और अगर अभी तक आपने देखा है बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू, एंड विद दिस बाय।